नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की हो जनजाति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हो जनजाति से संबंधित सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, हो जनजाति जो है, हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की जो आबादी के दृष्टिकोण से हो जनजाति चौथे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर आती है संथाल जनजाति, सेकंड में है उरांव, थर्ड में मुंडा, उसके बाद फोर्थ में है हो जनजाति। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोयड समूह से संबंध रखती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोयड समूह से संबंध रखती है हो जनजाति। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य निवास स्थान कोल्हान प्रमंडल है। दोस्तों, झारखंड का जो कोल्हान प्रमंडल है, खास करके उस प्रमंडल में हो जनजाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां। इन तीन जिलों में हो जनजाति की अच्छी खासी संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, हो भाषा की लिपि 12 जीती है। तो हो भाषा की एक अपनी लिपि बनाई गई है, तो उस लिपि को क्या कहते हैं? 12 चीती। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के अखाड़ा को एटे तुरटुट कहा जाता है। एटे तुरटुट, हो गांव का जो अखाड़ा होता है उसको एटे तुरटुट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। दोस्तों, मुंडा जनजाति में भी युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीति ओड़ा। उसी तरह हो जनजाति में भी इसको गीति ओड़ा कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे चीज़ों में मुंडा जनजाति और हो जनजाति में समानता है। जैसे ये प्रोटोस्टेलोइड समूह से संबंध रखती है और मुंडा जनजाति भी प्रोटोस्टेलोइड समूह से ही बिलोंग करती है। उसका युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। उसी तरह मुंडा में भी गीति ओड़ा ही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं हो जनजाति के विवाह के संबंध में किस किस प्रकार का विवाह होता है। तो एक होता है आंधी विवाह, दूसरा होता है दिक्कू विवाह, तीसरा होता है ओपरतिपी विवाह, तीसरा चौथा होता है राजी खुशी और एक होता है आंधेर विवाह। तो इन सभी विवाह के बारे में बारी बारी से देखते हैं किस प्रकार का विवाह है। आंधी विवाह, इसको सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। हो जनजाति में आंधी विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस विवाह में होता क्या है? इस विवाह में जो लड़का पक्ष का होता है वो लड़की पक्ष में अपना रिश्ता के लिए जाते हैं और यदि दोनों में सहमति हो जाती है तो शादी सेट हो जाता है। तो इस तरह के विवाह को श्रेष्ठ विवाह कहा जाता है। उसके बाद है दिक्कू आंधी, यह एक अंतरजातीय विवाह है। तो हो जनजाति के लोग जब किसी दूसरे जाति से विवाह करते हैं तो उसको दिक्कू आंधी विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपरतिपी विवाह। ओपरतिपी विवाह एक तरह से हरण विवाह है। इसमें लड़की को कहीं से हरण करके घर लाया जाता है, मेला से या कहीं गांव से उठा के, उसको ओपरतिपी विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है राजी खुशी। इसमें क्या होता है? वर कन्या की पारस्परिक सहमति, यानी कि इस यह एक तरह का प्रेम विवाह है और यदि इसमें वर और कन्या की आपसी सहमति है तो इसको राजी खुशी विवाह कहा जाता है। और नेक्स्ट है आंधेर विवाह। आंधेर विवाह में क्या होता है? लड़की बलपूर्वक लड़का के घर रहने लगती है। तो इसमें क्या होता है? जो लड़की होती है वो यदि लड़का किसी लड़का को चाहती है तो वो उसी के घर में ज़बरदस्ती रहने लगेगी और अपना हस्बैंड मानने लगती है लड़का को। तो इस तरह के विवाह को आंधेर विवाह कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दोस्तों, अगला पॉइंट है हो गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। दोस्तों, हो गांव का जो प्रधान होता है उसको मुंडा कहा जाता है। मुंडा का सहायक डकुआ होता है। गांव का प्रधान मुंडा होता है और उसका एक सहायक होता है, उसको डकुआ कहा जाता है।
और डाकुआ का काम क्या होता है, जैसे गांव में कोई मीटिंग होना है या कोई सभा होना है तो वो डाकुआ सबको इनवाइट करने का काम डाकुआ द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 से 12 गांवों को मिलाकर पीर या परहा बनता है। 7 से 12 गांवों का समूह को पीर या परहा कहा जाता है और इसका प्रधान कौन होता है, मानकी। तो मानकी 7 से 12 गांवों का जो परहा बनता है उसका प्रधान होता है और एक गांव का जो प्रधान होता है उसको मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीर या परहा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। दोस्तों इसका प्रधान तो हुआ मानकी, लेकिन परहा का जो न्यायिक प्रधान होता है, जो न्यायिक डिसीजन लेने का काम करता है, उसको पीर पंच कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं हो जनजाति के धर्म के बारे में। तो हो जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है वो कौन है, सिंगबोंगा। हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा। ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, पाहुई बोंगा। उसके बाद है पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी को ओरी बोड़म कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को मरांग ब्रू, मरांग ब्रू कहा जाता है। उसके बाद है नाग देवता को नागे देवता। उसके बाद वर्षा देवता को देसावली बोंगा। तो दोस्तों बहुत सारे चीज़ें जो मुंडा जनजाति में हैं उसी तरह से सिमिलर हैं, तो आप मुंडा जनजाति और हो जनजाति का समानता को देख लीजिएगा। मुंडा जनजाति के ऊपर भी वीडियो बन चुका है तो उसको भी जरूर देखिए। उसके बाद इसका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने वाले को देवरी कहा जाता है। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने वाले को देवरी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने चर्चा किया हो जनजाति के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक।